Hi everyone, I am Nidhi and welcome to my YouTube channel. So finally after 10 months, I am traveling into the mountains. As you can see the beautiful view. So presently I am in Old Manali. So Delhi se Old Manali kaise aaye, journey kaisi thi? Just rewind a little and jab tak you'll watch that journey, I'll be traveling to Sisu and we'll continue this vlog from Sisu. Come, let's go! On our way to Sisu, you guys know Atal Tunnel khul gayi hai aur rasta wahin se hai and the views from here are just mind blowing. I mean pehle yahan aane mein humko ghanton lag jate the and now we are here in just 45 minutes. So yeah, I'm so excited to see Sisu in its full autumn swing. Pictures dekhi and they are damn awesome. Now let's go to Sisu. चलो जी, फाइनली पहुंच गए हैं हम सिसु एंड नाउ वी आर ऑन आवर वे टू सिसु वाटरफॉल. कुछ हाफ एन आवर, समवट हाफ एन आवर का ट्रैक है एंड या फाइनली आई एम एबल टू एक्सप्लोर माय एडवेंचरस साइड वंस अगेन. एंड अगेन देखो, मार्च चला हो तो व्यू तो टोटा वाले गारंटीड ही है. तो चलो चलते हैं ऊपर, मिलते हैं, थोड़ा दिखाते हैं, खुद भी देखते हैं और वाटरफॉल के मज़े लेते हैं. ये पूरा क्रॉस करके सामने वाटरफॉल तक जाना है, मज़ा आ रहा है. लेट्स सी कैसे होता है. एंड दिस इज मी, हेलो. If you are coming to Sisu waterfall, make sure you are carrying enough water bottle and you are wearing trekking shoes because jo rasta hai wo bahut tricky hai aur bahut steep hai. So come prepared and yeah, if you want to see I can show you. This is the way and ye rasta bahut 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 zyada steep hai. So make sure that you are carrying water bottle and wearing hiking shoes. सिसु वाटरफॉल ये रहा. यस, हम इससे आगे नहीं जा रहे हैं बिकॉज आगे स्नो हो गई है एंड इट्स वेरी रिस्की एंड स्लिपरी. सो यस, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलर आई एम टेकिंग अ हॉल्ट यहीं पे. आई विल जस्ट क्लिक सम पिक्चर्स एंड ट्रस्ट मी, द कैमरा डज नो जस्टिस टू इट्स ब्यूटी. इट्स एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल एंड ट्रैक बहुत ज़्यादा स्टीप था. मैं 10 बार बोल चुकी हूँ, दोबारा बोल रही हूँ. सो बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर कमिंग ओवर हियर. एंड अब बस नीचे जा रहे हैं. इट्स वेरी रिस्की सो आई एम कीपिंग असाइड द कैमरा एंड आई विल मीट यू एट द बेस. इट्स टाइम टू बिड फेयरवेल टू सिसु, बाय. यार बहुत सुंदर है, बिल्कुल मन नहीं कर रहा जाने का, बट यार वी हैव टू लीव. सो या नीचे उतरने का रास्ता वॉज कंपैरेटिवली इजियर देन क्लाइंबिंग अप, बट ऑल इज वेन दैट एंड्स वेल. फाइनली नीचे आ गए हैं भाई. बॉस बहुत तगड़ा ट्रैक था और जो बोल रहा है ना आधे पौने घंटे का है,
जो कि मुझे बताया गया था, जो मैंने आप लोगों को भी स्टार्टिंग में बताया, ऐसा कुछ नहीं है. इट टुक अस 2.5 hours टू गो टू रीच द वाटरफॉल एंड देन कम बैक. एंड इट्स वेरी 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 रिस्की ट्रैक. अगर आप यहाँ आ रहे हो प्लीज़ शूज़ पहन के आना, हाइकिंग शूज़ पहन के आना. एंड जो रास्ते हैं वो बहुत स्टीप हैं एंड बहुत पगडंडियाँ बनी हुई हैं, कच्चे रास्ते हैं. सो आई एम जस्ट वार्निंग यू, गिविंग यू अ हेड्स अप, इफ़ यू आर कमिंग हियर प्लीज़ कम ऑल प्रिपेयर्ड. एंड ऑल्सो अपने मन की और दिमाग की हिम्मत, अब उसको हिम्मत मत हारने देना, ना अपने मन को ना अपने दिमाग को, बिकॉज मोर देन योर फिजिकल स्ट्रेंथ योर मेंटल एंड इमोशनल स्ट्रेंथ मैटर्स एट लीस्ट ड्यूरिंग दीज हाइक्स. एंड बीच में मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरा मन था मैं गिव अप कर दूँ बिकॉज हमें रास्ता नहीं मिल रहा था, बट एज आई सेड योर मेंटल स्ट्रेंथ इज़ ऑफ अटमोस्ट प्रायोरिटी. तो अपने आप को हिम्मत देते रहना एंड यू विल फाइंड योर वे. चलो अब चलते हैं, लेट्स सी अब क्या प्लान है, शायद हम किलांग जाएं. अगर जाते हैं तो आई विल अपडेट यू गाइस. Decided to visit Kilang and हम किलांग में हैं. अभी वी जस्ट स्टॉप्ड फॉर लंच क्योंकि पूरा दिन ऐसे ट्रैक में निकल गया एंड वी आर क्वाइट हंग्री. सो या लेट्स सी वॉट वी हैव इन हियर. मेरा तो थुप्पा खाने का मन है, सो आई होप आई गेट वन. हाँ जी मटन. हाँ जी कितना हम लोग तो बहुत हो गया जी, 10-15 साल हो गया कोरोना की वजह से जी. किलांग में कुछ है तो नहीं, बस ऐसे प्यारे प्यारे व्यूज़ हैं एंड देयर इज़ नथिंग रियली मोर ओवर हियर. मार्केट है तो अगर मतलब इट्स नॉट रियली नेसेसरी फॉर यू टू कम टू किलांग. अगर सिसु तक भी आते हो लाहौल आके तो चलता है. गुड मॉर्निंग एवरी वन. सो कल किलांग से वापस आने के बाद वी वर सो टायर्ड कि आते ही वी डोज्ड ऑफ एंड इसलिए मैं ब्लॉग का एंड भी नहीं शूट कर पाई. सो या हियर आई एम इन ओल्ड मनाली एंड अब तो बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है. एंड कल का एक्सपीरियंस वॉज सुपर ऑसम, स्पेशली आफ्टर 10 months आई वॉज ट्रैवलिंग तो स्पेशल तो होना ही था. सो यस चलते हैं अब. ओल्ड मनाली में है तो मनाली थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, बट दैट यू विल सी इन अनदर ब्लॉग. तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, हिट दैट बेल आइकन एंड वीडियो को लाइक भी करना एंड शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, क्योंकि आई नीड योर लव राइट नाउ एंड यू गाइज आर माई बिगेस्ट सपोर्टर्स. सो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. बाय बाय, टेक केयर.